यस फ्रेंड्स, आज जो हम सबसे पहले टॉपिक करने जा रहे हैं वो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। रीजनिंग का ये पार्ट है, मोस्टली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें रीजनिंग आती है और ये काउंटिंग का एक क्वेश्चन 100% श्योर उसमें आ जाता है। तो आज हम इसके शॉर्ट मेथड्स सीखेंगे कि कुछ फिगर्स गिवन है आपको, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अलग अलग प्रकार की फिगर्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले काउंटिंग ऑफ फिगर्स में जो फर्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं वो है स्क्वायर्स काउंट करना। स्क्वायर्स काउंट करना, देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फिगर्स बनती हैं। एक फिगर जो इसमें ए पहला जो पार्ट है वो फिगर इस टाइप की आती है, देखिए। अब इसमें अगर हम रो और कॉलम देखें ना तो वो इक्वल इक्वल है। तो ये है फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो इस प्रकार की फिगर्स जिनमें रो और कॉलम्स दोनों सेम नंबर हो, मतलब रो और कॉलम इक्वल हो, तब हम कैसे पता करेंगे कि इस पूरी फिगर में कितने स्क्वायर्स बनेंगे। तो देखो उसका मेथड है, ये 1 2 3 1 2 3 रो और कॉलम सेम होने चाहिए, तो हम लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और इसको ऐड कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 14। तो ये 14 आंसर आ गया। अब हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस टाइप से हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बता सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, रो और कॉलम्स का नंबर इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें देखो, इसमें 1 2 2 ही तो कॉलम है और 1 2 2 ही कितनी है, क्या है, रो है। तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 4 प्लस 1 5 स्क्वायर्स बनेंगे। आप इसमें चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 और ये कंप्लीट 5। तो इस टाइप से कितने स्क्वायर्स बन गए, 5। एक और एग्जांपल लेते हैं इससे बड़ा थोड़ा। अब देखिए इसमें हम काउंट करते हैं तो कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 कॉलम्स बन रहे हैं और 1 2 3 4 और 5 5 ही क्या बन रही है, रो बन रही है। तो जब रो और कॉलम इक्वल हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर बताया मैंने, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और प्लस लास्ट 5 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर्स हम फाइंड आउट कर लेंगे, 9 16 और 25। बस अब इसको ऐड कर देंगे, एडिशन के बाद में जो आंसर आएगा वही नंबर ऑफ स्क्वायर्स आएगा। तो 55 इसमें आंसर आ गया हमारा। तो ये प्रोसीजर किसके लिए अप्लीकेबल होता है, ये प्रोसीजर सिर्फ उन क्वेश्चंस में अप्लाई, उन फिगर्स में ही अप्लाई होगा जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो। और हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है, स्क्वायर्स के लिए फाइंड आउट करना है। अब मान लीजिए अब हम सेकंड टॉपिक उठाएंगे जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। तो देखिए बी पार्ट में हमारे पास क्या है, नंबर, और अब की बार जो हम लेंगे वो भी स्क्वायर्स, काउंट तो हमें स्क्वायर्स ही करने हैं पर अब की बार कॉलम और रोज इक्वल नहीं है। मान लो ये हमारे पास क्वेश्चन है एक, अब हमें इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं। अब हम वैसे लिखते हैं इसमें कॉलम है 1 2 3 और रो है 1 एंड 2। तो देखो अब इसको सिंप्लीफाई करने का मेथड क्या है, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना होंगे तो उसको सिंप्लीफाई करने का ये मेथड है कि देखो इन दोनों लास्ट के डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस
इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और यही हमारा आंसर होगा। तो 3 into 2 6 plus 2 into 1 2 8, तो इसमें अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल स्क्वायर्स कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। ये फर्स्ट एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखते हैं सेकंड। ये एक और एग्जांपल लिया मैंने इसे, तो इसमें कॉलम्स फाइंड आउट करेंगे वो है 1 2 3 4 और रोज फाइंड आउट करेंगे तो वो है फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। तो हम यहां भी क्या देखते हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे हैं, इक्वल नहीं है। तो जब भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं हो तो क्या प्रोसीजर है, लास्ट डिजिट को सबसे बड़ी डिजिट से लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 3 प्लस नेक्स्ट को नेक्स्ट से 3 into 2 प्लस लास्ट जो बच गई 2 into 1। 4 into 3 12, 3 into 2 6, 2 into 1 2, कितना हो गया 20। तो इसमें अपना क्या आंसर आ गया 20। तो इसमें अगर हम स्क्वायर्स काउंट करेंगे तो कितने हैं 20। अगर ये प्रोसीजर आपको ऐसे समझ में नहीं आता हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे लास्ट सबसे बड़ा डिजिट यहां क्या है 3, इधर क्या है 2, तो 3 into 2 लिख दिया, फिर एक-एक कम करते जाइए, 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1, तो ये और लास्ट में करेंगे तो हम 0 आ जाएगा तो उसको छोड़ देंगे, तो ये सेम आंसर आएगा। जैसे इसमें भी हम चेक करें 4 3, सबसे पहले 4 3 लिखा फिर एक-एक कम हो गया 3, इससे एक कम 3, इससे कम 2, तो 3 2, फिर इनसे एक-एक कम 3 से एक कम 2, 2 से एक कम 1, फिर जब इससे एक कम और करेंगे तो हम 0 हो जाएगा, तो वो अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से हम पता कर सकते हैं कि जहां रो और कॉलम्स इक्वल ना हो उस कंडीशन में और जो है अपने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बनेंगे। फिर देखिए हम चेक करते हैं अब रेक्टेंगल के बारे में। फर्स्ट हमने कौन सा देखा, रेक्टेंगल स्क्वायर, सेकंड वन वाला रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में रो और कॉलम चाहे सेम हो या फिर रो और कॉलम चाहे डिफरेंट हो, उन वो एक ही रूल फॉलो करता है। तो वो रूल क्या है देखते हैं जरा। जैसे ये अपने पास फिगर है, इसमें हम लिख लेते हैं ऐसे 1 2 3 और इधर भी 1 2 3। अब देखो इसका रो का और कॉलम का और रोज का हम एडिशन करेंगे तो 1 plus 2 plus 3, तो 1 plus 2 plus 3 3 to 5 और 1 6, इधर भी ऐड करेंगे 1 plus 2 plus 3, तो ये भी कितना आ गया 6 और लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 6 into 6 36। ये प्रोसीजर है चाहे रो और कॉलम सेम हो चाहे डिफरेंट हो। ये फर्स्ट एग्जांपल लिया, हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसमें देखिए 1 और 2 रोज हैं और 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, तो इन सब को हम ऐड करेंगे, पहले इन कॉलम्स के नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, तो 1 plus 2 plus 3 plus 4 10 और 1 plus 2 3, तो लास्ट में क्या करेंगे 10 into 3, तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इसमें कितने बनेंगे 30। तो इस टाइप से जो ये क्वेश्चंस हैं इनमें सेम नंबर ऑफ रो हो या डिफरेंट नंबर ऑफ रो और कॉलम्स अलग-अलग हो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। रेक्टेंगल्स के क्वेश्चंस को एक ही मेथड से सॉल्व करना है और वो है डायरेक्टली। एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट्स टेक थर्ड एग्जांपल। मान लीजिए ये है 1 2 3 4 5 1 2, मैं देखता हूं इसमें कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं, 1 2 3 रोज है, तो अब हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, तो हम देखते हैं इनका एडिशन आएगा 2 plus 1 3, 3 plus 3 6 10 15 और 20 1, और जब हम इनको ऐड करेंगे सबको तो 1 plus 2 plus 3, तो इनका सम हो जाएगा यहां से 3 plus 2 5 और 1 6, तो अब टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे इसमें 21 into 6, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 126 इसमें आंसर आ गया। मींस अगर इस फिगर में अपने को काउंट करने हो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने आएंगे,
तो वो बनेंगे 126 रेक्टेंगल्स। तो ये बहुत ही शॉर्टकट और इजी मेथड से काउंट करने का। जब हम ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें मिस्टेक्स होने की काफी पॉसिबिलिटी है। फिर देखिए थर्ड नंबर पे नेक्स्ट हम चेक करते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला जो टाइप बनता है वो है ऐसे, एक डायग्राम इस टाइप से गिवन होगा और इसमें अपने को नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड आउट करना है कि कितने ट्राइंगल्स बनेंगे। तो देखो इसमें आप कहीं से भी स्टार्टिंग करके और काउंटिंग लिखना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6। तो लास्ट नंबर या फिर सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, 6। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 × 2 = 12 आंसर हो गया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, 12। एक और फिगर मैं बनाता हूं, जैसे ये है अपने पास, ये एक फिगर है। तो इसमें कहीं से भी आप स्टार्ट करके नंबरिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4। अब हम इसमें देखते हैं सबसे बड़ा नंबर क्या आया, 4। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 4 × 2 = 8। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे वो आप काउंट भी करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, 8 बनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये तो काफी छोटी फिगर है इसलिए हम काउंट कर पाए इसमें इजीली, लेकिन अगर फिगर काफी कॉम्प्लिकेटेड होगी, काफी बड़ी होगी, तो फिर उसको इजीली काउंट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लेकिन इस मेथड से हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, मान लीजिए ये एक फिगर है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अपने को इसमें काउंट करने हैं। तो फिर से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, 8। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, 16। तो इसमें 16 ट्राइंगल्स बनेंगे। तो ये फर्स्ट टाइप है जो मैंने बताई है, इस टाइप का क्वेश्चन आने पे आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हम अगर मान लीजिए ट्राइंगल्स इस टाइप से बने नहीं होकर और कैसे बने हो, देखिए जैसे ऐसे बने हैं, सेकंड टाइप में लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट। देखिए मान लीजिए ऐसे, ये खड़ी लाइन ऐसे खच बनी हुई हो तो हम कैसे काउंट करेंगे। तो इसमें भी ऐसे ही काउंट करना जैसे हमने पिछले वाले में किया था, 1 2, और इनको ऐड करना है। तो 1 + 2 इसमें कितना आंसर आ जाएगा, 3। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, 3। आप चेक भी कर सकते हैं, 1 ये फर्स्ट ट्राइंगल, ये सेकंड ट्राइंगल और ये बड़ा वाला थर्ड ट्राइंगल। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। वही प्रोसीजर, 1 2 3, इन सबको ऐड करना है, 1 + 2 + 3, आंसर क्या आ गया, 6। एक एग्जांपल और लेते हैं, वही प्रोसीजर, 1 2 3 4, आंसर क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 = 10। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो ट्राइंगल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। अब ये तो है कि इसमें सिर्फ बेस देखिए एक ही है, यहाँ पे भी बेस एक है, यहाँ पे भी बेस एक है, यहाँ पे भी बेस एक है, लेकिन अगर इन्हीं ट्राइंगल्स का मैं बेस थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मीन्स बेस को एक से ज्यादा कर देता हूँ, तो उस कंडीशन में आंसर क्या आएगा, तो वो अपने को देखना है। तो देखिए मान लीजिए मैं फर्स्ट इसमें फिर से लेता हूँ, ट्राइंगल्स ऐसा ही है, सिर्फ बेस ज्यादा कर दिए गए। तो इसमें अब की बार दो बेस हो गए, तो अब आपको क्या करना है, देखिए 1 और 2, तो सम वैसे ही करना है, 1 + 2 क्या करना है, 3, लेकिन इसमें अब कितने बेस है तो इनटू बेस से और मल्टीप्लाई करना है, तो इसका बेस है 1 और 2, तो 2 बेस है इसमें। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे 6। मान लीजिए ये वाला सेकंड वाला फिगर है, इसमें भी मैं बेस ऐड कर देता हूं 1, तो फिर देखिए यहां से क्या बनेगा, 1 + 2 + 3, और इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके बेस से, तो 1 और 2 बेस है इसमें।
तो ये आ जाएगा 6 into 2, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 12, तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा? 12 आंसर आ जाएगा। देख लीजिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लीजिए मैं इसमें दो बेस ऐड कर देता हूं आपकी बार, तो सॉल्यूशन वैसे ही करना है, 1 plus 2 plus 3 plus 4 10 आएगा, और 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है? टोटल नंबर ऑफ बेस से मल्टीप्लाई करना है। तो बेस देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो अब की बार इसमें 3 बेस हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे वो आएगा 10 into 3 30, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 30। तो इस टाइप से हम बहुत ही इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। एक जो टाइप और ट्रायंगल्स को टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अपने को फाइंड आउट करना है, उसमें इस टाइप की फिगर भी अपने को देखिए दिखाई देती हैं। तो ये यूनिक टाइप की फिगर्स हैं, ये काफी बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो इसमें आपको क्रीमिंग करना है, मींस इसमें आपको याद रखना है। तो आपको इधर वाली ये साइड्स देखनी कितनी है, 1 2 3, ये इसमें 3 साइड्स हैं, ये 1 2 3 4, इसमें ये 4 साइड्स हैं या फिर ये 4 फिगर्स हैं, एक साइड वाले अपने को चेक करने हैं। तो ये या तो 3 4 और 5 का ही आएगा, तो इसमें आपको याद रखना है, ये लर्न करना है कि दिस ट्रायंगल में सिर्फ 3 साइड्स हो, 1 2 3, उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे 13, जिसमें 4 हो उसमें बनेंगे 27 और 5 वाले में 48, तो यहां पे 48। तो ये अपने को लर्न करना है कि 3 जिसके 3 साइड्स होंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, वो उसमें होंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 13, 4 वाले में 27 और 5 वाले में 48। ये अपने को तीन ही फिगर्स याद रखनी है, ये तीन से ज्यादा क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस तीन से ज्यादा नहीं पूछे जाते। फिर एक टाइप और बचता है, जो चौथे टाइप के ट्रायंगल्स हैं वो कुछ इस प्रकार से दिए हुए होते हैं। ये ट्रायंगल है, इसके अंदर एक उल्टा ट्रायंगल। तो देखो अब आपको कैसे याद रखना है इनको, इसमें आपको जितने ट्रायंगल बना देगा ना, अंदर जितने ट्रायंगल बने होंगे वो 4 ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा बनाएंगे। मींस ये बाहर वाला 1 था, इसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो आपको इसको 4 ऐड करना है, तो टोटल नंबर ट्रायंगल्स बनेंगे 5। मान लीजिए क्वेश्चन इसमें ऐसा हो, अब की बार देखो कितने ट्रायंगल है, ये बाहर वाला तो एक बनाएगा, प्लस आप एक 4 इस ट्रायंगल का ऐड करेंगे और एक 4 इस ट्रायंगल का ऐड करेंगे, तो इस टाइप से कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन गए, 4 plus 4 8 plus 1 9, तो इसमें 9 बन जाएंगे। मान लीजिए यहां एक बाहर और हो इसी टाइप से, और अब आपको फाइंड आउट करना हो कितने बनेंगे, तो एक 4 और ऐड हो जाएगा, तो 1 plus 4 plus 4 plus 4, तो 9 plus 4 13, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे 13। ऐसे जितने भी ट्रायंगल्स इंक्रीज करते जाएंगे, हम 4 4 और ऐड करते जाएंगे, सबसे पहले 1, उसके अंदर जब ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं उतने 4 और ऐड करने हैं। तो ये जो हमने अभी रीजनिंग का एक टॉपिक किया, ये था काउंटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स, कि एक फिगर के अंदर और डिफरेंट टाइप की फिगर्स बनी हुई हैं, उनको शॉर्टली और इजीली कैसे काउंट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा कि जो भी हम न्यू वीडियो इसके अंदर ऐड करेंगे, नया वीडियो जब भी डालेंगे, तो आप उसको डायरेक्टली अपने नोटिफिकेशन में देख पाएंगे, और जब भी आप इसको शेयर करेंगे तो आपके और जो फ्रेंड्स हैं वो भी इससे हेल्प ले पाएंगे। थैंक यू।